तो कोल्ड ड्रिंक के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक, सबसे पहले मैं सारा चीज हटा देता हूँ। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक के लिए जो बेसिक नीड है वो है एक सोल्डरिंग आयरन। आपको एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए कोल्ड ड्रिंक के लिए। देखिए दोस्तों, और एक सोल्डर, अब आपको मतलब मैच कैसे करना है, कौन सी सोल्डरिंग आयरन के साथ कौन सा सोल्डर। अगर आप 30 वाट तक का लेते हैं तब आपको जो सोल्डर है ना वो लेना है विदाउट फ्लक्स। अगर आप 30 वाट से ऊपर लेते तो विद फ्लक्स सोल्डर जो थोड़ा मोटा होता है। आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है सोल्डर और एक सोल्डरिंग आयरन। और जो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो देखिए दोस्तों, ये दोनों बेसिक है, मतलब इसके बिना भी आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। बट और जो सोल्डरिंग को मजबूती दिलाने के लिए ये हम यूज करते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स पेस्ट। और देखिए दोस्तों, ब्लेड का क्या काम है, इसमें हम ना थोड़ा इसका टिप जो है हर यूज के बाद थोड़ा रगड़ दीजिए, थोड़ा ब्लैक हो जाता है, इसलिए ऐसे ऐसे करके थोड़ा रगड़ दीजिए दोस्तों, बहुत हेल्प मिलता है इससे सोल्डरिंग आयरन को। और एक और दोस्तों, डी सोल्डर स्पंज आता है, तो डी सोल्डर स्पंज भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे मैंने कर दिया साफ। अब हम आज इस दोनों तार को सोल्डरिंग करेंगे, वो भी इन दोनों तारों से। दोस्तों देख लीजिए, ये जो है अडैप्टर, इसके ये जो दो तार है दोस्तों, इन दो तारों से सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ले लेना है, खोल लेना इसे। तो दोस्तों ये हमारा सोल्डरिंग ये पेस्ट खोल गया, तो आपको कुछ पेस्ट ऐसा दिखेगा। तो आपको क्या लेना है, थोड़ा सा ये जो ब्लेड है, ब्लेड से थोड़ा सा ले लेना आपको। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ब्लेड से ले लिया और इस पे लगा देना। देखिए दोस्तों, धुआं छूटेगा, उससे आपको डरना नहीं है। आपको थोड़ा सा लगा देना इस पे। दोस्तों इसे क्या होगा, जो हमारा ये जो इसका टिप है वो साफ हो जाएगा थोड़ा। दोस्तों इसका टिप है वो हो जाएगा साफ। तो अब देखिए, दोस्तों तो ऐसे मैंने अपना ये जो है ये अपना ये जो साफ कर लिया है, मैंने अपना सोल्डरिंग आयरन साफ कर लिया है। अब मैं ये लूंगा और इसे भी आपको साफ करना है। हाँ जी दोस्तों, इसे भी वायर को भी साफ करना है। थोड़ा सा इस पे भी ब्लेड से ले लेना। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फ्लक्स लेके आपको इसे भी थोड़ा सा साफ कर देना दोस्तों। ये सबसे बेसिक मेथड बताओ सोल्डरिंग करने, बहुत सारे टाइप्स है दोस्तों, आपको इसे भी टाइप्स अपना सकते हैं। मैं आपको सबसे बेसिक टाइप बता रहा हूँ कैसे आप सोल्डरिंग करें। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्डरिंग हो गया, अभी सब थोड़ा पिघला देंगे। दोस्तों थोड़ा सा पिघलने के बाद फिर आपको एक तार लेना है, ठीक है दोस्तों। तार को यहाँ पे रखते हुए आपको सोल्डरिंग करना है। दोस्तों देखिए, मैंने इसमें भी सोल्डरिंग वो लगा दिया, इसमें भी थोड़ा सोल्डर वायर लगा दिया। अब इसकी बारी, तो इसे थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों कि ये एक यूनाइटेड रहेंगे सारे छोटे छोटे तार। इसे थोड़ा साइड में कर लेना कि आपके इसके चपेट में ना आ जाए। दोस्तों इसे बहुत आराम से करना, आपको कोई जल्दी नहीं है, आपको एकदम आराम से करना, आपको कोई जल्दी नहीं दिखाना। दोस्तों अब ये दोनों तार ले लिया मैंने, ट्विस्ट कर लिया। ट्विस्ट करने से इसे यूनाइट कर लेंगे सारे मिनी तार को, मिनी मतलब जो भी छोटे मोटे तार जिससे बना। और इसे आप पुट करके थोड़ा गर्म कर देंगे, जिसके जो सारे इंप्यूरिटीज हो चले जाए। फिर तार लेकर हम इस पे भी सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों। और ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये बेसिक तरीका, और बच्चे करते हैं इसे, बड़े लोग डायरेक्ट टिप से करते, पर हमें टिप से नहीं करना है दोस्तों। जो स्पेशली बच्चे हैं उन्हें खतरा हो सकता है। हाँ दोस्तों इसे खतरा है। अब देखिए ये दोनों तार है, तो ब्लू, देखिए आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव। तो आपको ब्लू नेगेटिव में रखना है तो रखिए, आपकी मर्जी। तो आप ऐसे करके सोल्डरिंग से पहले थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे, जिससे ये दोनों तार एक बन जाए। एक बनने के बाद इन दोनों तारों को आपको ले जाना है यहाँ पर। ऐसे कर लेने के बाद फिर आपको ये सोल्डरिंग ये लेना है आयरन, और यहाँ पर इसे रख देना है। एक मार्बल आप सर से जरूर लीजिएगा।
देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे दोबारा ऐसे कर रहा हूँ, थ्री सेगमेंट प्रोसेस यूज किया मैंने इसमें। देखिए दोस्तों, ये जो तार है टोटली सोल्डर हो चुका है, एकदम बेस्ट बन चुका है, अभी ब्रेक भी नहीं होने वाला दोस्तों। इसे हमने सोल्डरिंग कर दिया, अब नेक्स्ट तार को करते सोल्डरिंग। दोस्तों जैसे हमें अभी पहले वाले तार में मुश्किल आ रही थी, तो हमें मुश्किल आ रही थी, तो मुश्किल को हटाने के लिए हम ये फ्लक्स यूज करेंगे। फ्लक्स दोबारा ब्लेड से ले लेंगे थोड़ा। दोस्तों फ्लक्स हाथ पे नहीं लगाना है, क्या होगा अगर आपका फ्लक्स लगा के हाथ टच हो जाता है तो बहुत बुरी जो समस्या हो सकती है। नहीं लगाना, बस समझ लीजिए आपको नहीं लगाना है। थोड़ा फूंक दीजिए जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। दोस्तों ऐसे ही दोनों तार हो चुके हैं सोल्डर, आपको दिखा दो, ये दोनों तार हो चुके हैं सोल्डर। अब आप आराम से इन दोनों तार को कैजुअली